हाय फ्रेंड, अगर आप अपने चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो बनाना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया गया, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल में कैनवा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करने के बाद आपको गूगल या फेसबुक से लॉगिन मांगेगा, उसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ओपन करने के बाद फर्स्ट पेज आपको ऐसा ओपन होगा। जैसे ऐसा ओपन होता है तो आपको टेम्पलेट मिलेगा लोगो का, ऊपर स्लाइड कीजिएगा तो ये लिख रहा है यहाँ पे लोगो सी ऑल। सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सा लोगों का आपको टेम्पलेट मिलेगा। आप सबसे पहले इसे चूज कर लेंगे, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है लोगो, उस पर क्लिक करके आप अपने चैनल का नेम डाल के लोगो एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं कौन सा हमें अच्छा लग रहा है। तो ये जो MC लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करते हैं। मेरे चैनल का नाम है फन कन, तो कोई आदमी हमें बनाने बोला है लोगो तो उसको हमें बना के देना है। तो इस तरह से आप बनाइएगा। सबसे पहले उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका डिस्प्ले पे थोड़ा सर्च लोके ये लोगो आ जाएगा। जैसे ये लोगो आ गया, इसमें लिखा हुआ MC, हमें इसमें लिखना है FK, फन कन चैनल का नाम है, और नीचे लिखा हुआ है मैट क्रिएटिव लिखा हुआ है, तो इसे हमें करना है फन कन। तो एम पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद हाईलाइट हो जाएगा, तो इसे कट करके F दे देंगे। सेम वैसे इस पर डबल क्लिक करके हाईलाइट करके हम इस पर K दे दिए, FK लिखा गया। ऐसे हम थोड़ा रिसाइज करेंगे कहाँ पे हमें कैसे लगेगा तो अच्छा लगेगा। आप अपने हिसाब से थोड़ा दो तीन तरह का रख के देखिए कैसे आपको अच्छा लग रहा। तो जैसे हम K को ऊपर रख दिए और F को इस तरह रख के K को इस तरह हम बैठा दिए, थोड़ा देखने में अट्रैक्टिव लग रहा। अब इसमें कलर भी करना है लास्ट में, तो ये सही लग रहा। और इसे ये जो मैट क्रिएटिव इसको ऊपर कर देते हैं, और ये जो पट्टी मारा हुआ वाइट पट्टी, इसमें कोई दूसरा पट्टी हम डालेंगे। हम सोच रहे हैं इसमें येल्लो कलर का डालते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में ऑप्शन आएगा। देखिए इधर गैलरी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो मेरा गैलरी में एक येल्लो कलर का फोटो रखा होगा, उसे लेके हम क्रॉप करके वो पट्टी बना देंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। जैसे देखिए ये येल्लो कलर का है, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू पेज, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका उधर ऐड हो जाएगा। देखिए ये ऐड हो गया, इसे हम क्रॉप कर लेंगे, छोटा कर लेंगे पट्टी के साइज पे, और थोड़ा इसके हिसाब से जो राउंड है उसके हिसाब से एडजस्ट करके इस पर ला के रख देंगे। हमने इसे ला के रख दिया है, और आपको दिख रहा हो के ऊपर दिख रहा है, लेकिन हमें इसको पट्टी के पीछे करना है। तो के पे क्लिक कीजिएगा, 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर 3 डॉट है, उस पर क्लिक करने के बाद लिख रहा है सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, सेंड टू बैक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे पीछे चल गया आपका के। तो इस तरह से ये एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपका बचता है जो ऊपर लिखा हुआ मैट क्रिएटिव, में हमें चैनल का नाम लिखना है फन कन। तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा, हाईलाइट हो जाएगा। क्लिक करने के बाद अपना चैनल का नेम लिख लीजिएगा, जैसे हम लिख लेते हैं फन कन, लेकिन ये फॉन्ट थोड़ा महीन है, इसे हमें मोटा करना है। तो फॉन्ट पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से फॉन्ट चूज कीजिएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो HC ब्लैक पे क्लिक करते, ये छोटा है, थोड़ा और हमें बड़ा लेना है, तो ऊपर स्लाइड करते हैं। अब देखिए ये आ गया हॉरिजॉन, हॉरिजॉन पे जैसे क्लिक करते हैं थोड़ा ये मोटा आ गया, लेकिन हमें फिर भी छोटा लग रहा है, इससे थोड़ा क्रॉपिंग करके बड़ा करेंगे। तो ये बड़ा कर लेते हैं, अपने हिसाब से आप बड़ा कर लीजिए कितना बड़ा आपको चाहिए। तो हमें इतना बड़ा सही लग रहा। अब ये हो गया। अब ये फन कन का कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें प्लस पे क्लिक करके बहुत सारा कलर चूज़ कर सकते हैं। हमने वाइट लिया लेकिन वाइट सही नहीं लग रहा, ब्लैक ही सही है, ये आपका ब्लैक ही सही है। उसके बाद फिर दूसरा क्या है कि जो राउंड का चारों साइड वाइट है इसे हमें चेंज करना है। इस पर क्लिक करेंगे साइड में वाइट पे, तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद गैलरी पे जाएंगे, गैलरी में मेरा एक गोल्डन कलर का एक फ़ोटो है, उसे हम ले लेंगे। इसे हम ढूंढ लेते हैं, इसमें इमेज पे क्लिक करेंगे, जो फोटो लोगों में यूज हुआ आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐड टू पेज पे क्लिक करेंगे। ऐसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का वो आ जाएगा, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। हमने ये जो फोटो ऐड किया इसे पीछे करना है, तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, सेंड टू बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपका ये पीछे चल जाएगा, ये फोटो आपने ऐड किया इसे पीछे चल जाएगा। उसके बाद ये वाइट पट्टी दिख रहा है, इसे भी क्रॉप कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्रॉप कर लीजिएगा। अब हमें F और K का कलर चेंज करना है, तो K पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कलर आइकन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर लेना चाहते हैं प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो वाइट नीचे दिया हुआ है उसको हम इधर इस पर लेकर आते हैं, ये ब्लू पे लेकर आए, हल्का ब्लू पे, ये ड्रैग को इधर पूरा डीप कर देते हैं। देखिए कलर कुछ इस तरह हो गया। उसके बाद F पे क्लिक करते हैं तो F को हम ऐसा कलर कर देते हैं। ये हो गया पूरा सेटिंग। अब मेरा लोगो रेडी हो गया। अब इसे डाउनलोड करने के लिए ऊपर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है आपको डाउनलोड। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है PNG, इस पे क्लिक करते हैं PNG, JPG, PDF, MP4 सभी में आप डाउनलोड कर सकते हैं GIF में। तो PNG हमने सेट कर लिया, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन को डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया।
डाउनलोड होने के बाद आपका शेयर का ऑप्शन आएगा, हमें शेयर नहीं करना, हम आपको गैलरी में दिखाते हैं कहाँ डाउनलोड हुआ। चलिए गैलरी में चलते हैं, देखिए इस तरह गैलरी में आपको दिखेगा, HD क्वालिटी में आपका डाउनलोड हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।